रीमा प्रसाद, आजादी का अमृत काल और गौरवशाली इतिहास 75 सालों का इस संसद भवन का, लेकिन इस गौरवशाली इतिहास के बीच में एक मन में टीस है। वो टीस है महिलाओं को लेकर कि इतने साल में भी, आजादी के 75 साल में भी, अगर संसद में हम महिलाओं की भागीदारी का आंकड़ा उठाते हैं तो ये आंकड़ा पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ 15% तक। ये बहुत चुभने वाले सवाल है, ये सुलगते सवाल है जो मैं आपके सामने उठाऊंगी कि बीजेपी और कांग्रेस भले ही इस पे एकमत हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिन जिन सहयोगी दलों के साथ आज इंडिया गठबंधन बना चुकी है, उनमें कौन कौन से ऐसे क्षेत्रीय शत्रप हैं जिन्होंने वक्त वक्त पे ऐसे सवाल उठाए, बिल को फाड़ा, महिलाओं को प्रकटी महिलाएं कहा, ऐसे वो कौन से लोग हैं, ये सुलगते सवाल मैं आज एक एक करके मैं आप दर्शकों के सामने रखूंगी। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे पहले मैं वो अपडेट कर दूं, शाम 6:30 बजे ये वो वक्त है जब कैबिनेट की एक बैठक होनी है और इस बैठक के जरिए संभवतः यही तय होना है कि बुधवार को लोकसभा में ये बिल, यानी महिला आरक्षण बिल जो है, उसे पेश किया जा सकता है। ऐसी खबरें निकलकर आनी शुरू हो चुकी है। जो पैनल है इस वक्त, एक एक करके मैं सभी का परिचय करवा दूं। बीजेपी से राखी जी हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी से मेरे सीनियर सहयोगी अरुण सिंह, जो कि सालों साल से संसद को कवर करते रहे, वो भी इस वक्त बताएंगे कि किस किस वक्त पे कौन कौन से दलों ने, सबसे पहले मैं अरुण का ही रुख कर लेती हूँ। अरुण, जरा मोटे तौर पर बता दीजिए अभी, क्योंकि हम पैनल के पास जाएंगे तो उन्हें भी ध्यान रहेगा कि हम किस किस मसले पर घेरने वाले हैं। इसी संसद भवन में लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, ये वो तीन क्षेत्रीय पार्टियों के चेहरा जिन्होंने वक्त वक्त पे जोड़ा डाला। सिर्फ रोड़ा नहीं डाला, राजनीति प्रसाद आरजेडी के एक नेता थे, सांसद थे राज्यसभा के, उन्होंने तो बाकायदा महिला आरक्षण बिल को फाड़ के फेंक दिया वहां पर आसंदी की तरफ। एक सांसद थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इतनी जोर से मारा माइक पर कि उनके हाथ से खून निकलने लगा। ये सब तो हमने अपने आंखों के सामने यहाँ पर देखा है। बहुत ड्रामेबाजी हुई महिला आरक्षण बिल को लेकर। उसमें देखिए दो बातें, एक तो पुरुष प्रधान मानसिकता, महिलाओं को अपने बरक्स बराबरी में और संख्या में बैठा पाने की, एक ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे ऐसे दल थे। रोड़ा क्या अटकाया, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी, उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन विद, शरद यादव ने तो अरुण ये तक कहा कि प्रकटी महिलाएं कैसे ग्रामीण महिलाओं का नेतृत्व, यही मैं बात कह रहा हूँ। और दूसरी बात, उन्होंने कहा रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, वो कह रहे थे कि रिजर्वेशन तो दो महिलाओं को, उसके अंदर ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन करो, वो फंसाने वाली बात थी। और आज देखिए 27 साल हो गया आज, और हम अभी चर्चा ही कर रहे हैं, और आप चूंकि एक महिला के रूप में आपने इस डिबेट की शुरुआत की, अच्छा लगा कि आप अपने मुद्दों के लिए बोल रही हैं, लेकिन हम भी तो हैं यहाँ पर बैठे हुए। नहीं, मैं अपने दर्शकों के सामने अरुण ये कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ से सवाल उठा रही हूँ, लेकिन मेरी भागीदारी या मुझ जैसी इस देश की महिलाओं की भागीदारी वहाँ क्यों नहीं? वहाँ सिर्फ 15% महिलाएं आखिर कब तक बैठेंगी? मेरे सहयोगी प्रशांत भी हैं और बीजेपी के लीडर, कांग्रेस पार्टी के लीडर, सभी एक एक करके हैं, वो भी यही एक बड़ा सवाल भी है रीमा, कि आखिर महिला आरक्षण की बात अगर हर राजनीतिक दल लगातार करता रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के योगदान की बात कही, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महिला आरक्षण बिल आना ही चाहिए, सभी कोई सत्ता में भी रहे हैं, आखिर अब तक क्यों नहीं आया था ये महिला आरक्षण बिल? जनता तो इस नजरिए से इस सवाल को देख रही है। देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये प्रयास किया है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बने। भागीदारी देने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जैसा यूपी में हुआ कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नाम पर उनको विधायक का चुनाव लड़ा दिया गया, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन हमारे संगठन ने 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए तैयार किया, जिससे महिलाएं जो उस लेवल पे तैयार हो। और मोटी बात देखिए, ये किस तरह से प्रोत्साहित करने का काम किया है। आज मंत्रिमंडल के अंदर 14% अगर मंत्री पद है तो महिलाओं के लिए, और उसमें भी पोर्टफोलियो देखिए आप। ये तो अभी की आप बात करें राखी जी, ये बात सही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अब तक क्यों नहीं हो पाया, इसकी नौबत आज क्यों आई? सत्ता में तो कांग्रेस रही लंबे वैभव, किस तरह से आखिर जिम्मेदार ना माना जाए कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। महिला आरक्षण विधेयक भी सबसे पहला अगर कोई दल है जो साल दर साल पिछले कितने दशकों से इस बारे में बात कर रहा है। हमारी अध्यक्षा पहले रही हैं सोनिया जी, उन्होंने हर बार महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में बात की है। हमारे कांग्रेस पार्टी में तो बहुत सारे, हमने महिला अध्यक्ष भी बनाए हैं। नहीं, लेकिन महिला आरक्षण बिल अब तक के ये पास नहीं हुआ, आप पहली नजर में जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, महिला आरक्षण बिल, मुझे लगता है कि अगर आज भी उसके बारे में बात की जा रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। हमने अपनी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में भी मान की कि ये विशेष सत्र आप बुला रहे हैं तो इसमें आप महिला आरक्षण विधेयक को पास कराइए। हम इसके पूरी तरह से हक में हैं। अभी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? अभी अगर बुधवार के बारे में हम ऐसी खबरें अपने दर्शकों को, हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिन लोगों के पूरी तरह से समर्थन करेंगे, जिन लोगों के अगर जो है भाजपा ये लेके आएगी तो हम पूरी तरह से समर्थन करेंगे। समाजवादी पार्टी का स्टैंड, इनकी भूमिका बहुत अहम है, सवाल करें। समाजवादी पार्टी का मौजूदा वक्त में क्या स्टैंड है, क्योंकि एसटी हसन साहब ने तो आज भी ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं, पहले आरक्षण में आरक्षण की बात कीजिए।
देखिए ऐसा है कि कोई हम मजबूत विपक्ष हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है। ये किसने कहा कि अगर देश चलेगा तो मोदी जी जिस चीज को ले आए आंख बंद करके उस पर यकीन हो जाएगा? महिलाओं के बारे में आप कह रहे हैं आंख बंद करके, महिला आरक्षण पे बोलेंगे आंख बंद करके? मैं नहीं सुनूंगी, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। राठौर जी महिला आरक्षण के मामले में, मैं बस यही पे बिल्कुल यही पे, महिला आरक्षण के मामले में मोदी जी आंख बंद कर दिया, बिल्कुल आंख बंद करके नहीं। देखिए जिस तरह से महिलाओं को तैयार करने का, महिलाओं को जिस तरह से, मैंने पहले भी कहा और मेरी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन जिस तरह से जो पोर्टफोलियो दिए गए रीमा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमने जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट, देखो आप ऐसे डिपार्टमेंट्स दिए गए जिनको कि महिलाओं ने बखूबी निभाया है। महिलाएं निश्चित तौर पर सबके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकती, जरूरत इस बात की है कि एक्सपोजर मिले। लेकिन जो मानसिकता है जिसकी चर्चा अभी भी हो रही थी, पुरुष प्रधान मानसिकता जो है जिसके गिरफ्त में बहुत सारी पार्टियां हैं, ये पुरुष प्रधान मानसिकता ही तो है जो कहा गया कि प्रकटी महिलाएं जैसे शब्द का मतलब मुझे शर्म आ रही है। मैं अपने दर्शकों से माफी मांगूंगी, उन महिलाओं से माफी मांगूंगी जिनकी भावनाएं आहत हो रही होंगी आज इस शब्द को दोहराते हुए। मैं बोलूं? हाँ। आप मुझे बोलने देंगी? हाँ, बिल्कुल। ये करोड़ों की गर्लफ्रेंड ये किसने कहा था बता सकती हैं आप? अंग्रेजी और ये किसने कहा था? नहीं आप बताइए ना किसने कहा था, लड़के हैं, किसने कहा था? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था। ये क्या होता है करोड़ों की गर्लफ्रेंड, किसके लिए कहा था? मतलब ये बता के आप ये कह रहे हैं, ये बता के आप ये कह रहे हैं कि प्रकटी महिलाएं भी सही। लेकिन रीमा सबसे बड़ी बात यही है, विजय जी सबसे बड़ी बात यही है कि कहने के लिए हर पार्टियों के पास कुछ ना कुछ है, सिर्फ जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब वक्त के साथ कदम आगे बढ़ रहे हों तो क्या क्या कदम उठाने पड़ते हैं। आज उसी से जुड़ी एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी आ रही है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पैनल का भी ऐलान किया है उपसभापति, और उसमें खास तौर पर उन्होंने 50% महिलाओं के नाम की घोषणा की है। ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है, और ना सिर्फ 50% महिलाओं के नाम का ऐलान किया गया उस पैनल में, साथ ही ये बात भी कही गई कि ये तो अभी शुरुआत है। मतलब ये कि संकेत देने की कोशिश हुई है कि अभी इस विशेष सत्र में इसी से संबंधित क्या और कुछ अहम भी होने वाला है। मैं प्रशांत इन्हीं बातों को आगे बढ़ाती हूँ, और चूंकि अब मोटे तौर पे क्लियर हो ही गया है, कांग्रेस पार्टी, मैं बिल्कुल अपने दर्शकों के सामने कहती हूँ, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है इस आरक्षण बिल को लेकर। लेकिन आप उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर जो सवाल उठाया, वो मैंने भी अपने दर्शकों के सामने दोहराया, मेरे सहयोगी अरुण ने भी दोहराया। समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू, इन तीनों का स्टैंड वही होगा? देखिए हम इंडिया अलायंस में जरूर हैं, लेकिन हम इंडिया अलायंस में होने के बावजूद भी अपनी बात रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और हमारा जो पार्टी का नेतृत्व है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से आ गया। समाजवादी पार्टी ने फिर कह दिया आरक्षण में आरक्षण चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी का जो नेतृत्व है वो कई मुद्दों पे लेके अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी हमारी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे मैं ये बात आपको कह रहा हूँ। और महिला आरक्षण विधेयक का हमने हमेशा सम्मान किया है। इस देश को पहली महिला राष्ट्रपति देने का काम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने किया। इस सदन को पहला जो है स्पीकर महिला देने का काम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने किया। अगर आप कहते हैं कि 60 साल से ज्यादा का वक्त इसी संसद में रहकर आपने सरकार चलाने का काम किया, देश चलाने का काम किया, तो क्रेडिट आप ही को जाता है कि 15% महिलाएं यहाँ पहुंच पाई है बीजेपी। लेकिन रीमा यही तो बड़ा सवाल है कि हर पार्टी ये गिना रही है कि इतिहास में उन्होंने क्या किया महिलाओं को आगे लाने के लिए, लेकिन महिला आरक्षण बिल आज भी जहां के वहां क्यों रुका हुआ है? फिर से मेरा वही मुद्दा वही है कि अब तक ये नहीं हो पाया, जिम्मेदार कौन? देखिए देश में बहुत सारी चीजें प्रशांत जी अब तक नहीं हो पाई थी। हम चंद्रयान 3 की बात भी करते हैं तो हम कहते हैं साउथ पोल पे सबसे पहले पहुंचने वाला हमारा देश था। अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें, अब तक कभी नहीं था, और कोई विपक्षी पार्टी है ये विश्वास करने को तैयार नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। जब वैक्सीन की बात आई तब भी कहा था अब तक कभी नहीं हुआ, अब तो हो ही नहीं सकता कि 200 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेज लग जाएंगे। महिला आरक्षण, लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अभी तक के लिए जिम्मेदार कौन? देखिए प्रशांत जी, मैं फिर वही बात कहूंगी, सबसे पहले जरूरी ये बात है कि महिलाओं को तैयार किया जाए। इस राजनीतिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जहां पर महिलाओं को कॉन्फिडेंस लेना जरूरी है, और इसी के लिए 33% आरक्षण देने के बाद जिन पोर्टफोलियोज की मैंने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप महिला बाल सुरक्षा ऐसे ऐसे वाले पोर्टफोलियो हमेशा देते रहते हैं, वैसा नाम यहाँ पर नहीं है। उनकी क्वालिटी के बेसिस पे सही है सत्ता में, सवाल बनता है, बिल्कुल सही। देखिए मेरे को
को बहुत हंसी आती है जब भाजपा के प्रवक्ता महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और ये कह रहे हैं कि हमें महिलाओं को तैयार करने की जरूरत है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, महिलाएं पूरी तरह से तैयार हैं इस देश की महिलाएं ये महिलाओं को पीछे करने का आर्ग्यूमेंट होता है जो कहा जाता है हमेशा, कोई भी महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो कहते हैं महिला तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी को लेकर मैंने पहले दर्शकों के सामने, मैं इनके इस बयान का यहाँ पे मैं विरोध दर्ज कराना चाहता हूँ कि इन्होंने जो कहा है महिलाओं को तैयार करने की जरूरत है, यही पार्टी है। आपने कितने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला बनाए हैं, अपने पार्टी के अध्यक्ष आपसे महिला आज तक बनाए नहीं गया और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाएं तैयार नहीं है। महिलाएं तैयार है, महिलाएं गांधी थी, अगर वो गांधी नहीं होती तो नहीं होता। यार मुझे कर्नाटक में, हिमाचल में यही होता रहा है। एक बहानेबाजी बीच में कि आप पार्टी स्तर पर आरक्षण दे दीजिए, कहाँ से सीट बढ़ाएंगे, संसद में कैसे ले आएंगे, इसकी प्रक्रिया बड़ी जटिल है, आरक्षण कैसे व्यवस्था करेंगे, आप अपनी पार्टियों में महिलाओं को ज्यादा लड़ा दीजिए। तो पार्टियां क्या करती थी, जो कमजोर सीट है उनको पता सर्वे में कि हार रहे हैं वहां पर उनको टिकट दे दिया, उसके बाद बता दिया आंकड़ा कि हमने कर दिया। ये जो राजनीति होती रही है और खासतौर से क्षेत्रीय दल, देखिए इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों में बहुत ज्यादा मतांतर नहीं है, क्षेत्रीय दलों ने अपनी राजनीति अपने वोट बैंक के नजरिए से इसको काफी दिन तक रोके रखा और अभी भी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक खबर बताऊं मैं, अरुण आपको ये बेहतर तरीके से पता होगा, ये गौरवशाली 75 साल का इतिहास, उसमें 7000 से ज्यादा पुरुष सांसद, महिला सांसदों की संख्या बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ा सिर्फ 6। नहीं, 30 तो देती है ये, क्योंकि आप घर में देखिए हर जगह अब बराबरी की बात, अब बराबरी के और भी आगे की बात हो रही है। उसके बीच यहाँ पर देखिए आप मंत्रिमंडल की बात आपने किया, संसद में अगर आप जाइए तो कहीं कहीं महिलाएं दिखती हैं, बीच बीच में जैसे लगता है कि बिंदी जैसे, पूरे शरीर में एक बिंदी जैसे होती है वैसे दिखती है महिला। और अरुण ये बहुत खास बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने आज खुद इस तरह की बात का जिक्र किया है कि जिस तरह की लगातार हमारी कामयाब लोकतंत्र की परंपरा रही है, ऐतिहासिक ये इमारत रही है, लेकिन जो महिलाओं की मौजूदगी है खासतौर पर, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किन अल्फाज में किया है दर्शकों को एक बार हम सुनाते हैं, गौर से सुनिए। भारत के सभी राज्यों साथ पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के डोर पंक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी, मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इस सदन के गरिमा में बहुत बड़ा बदलाव लाने में उनका योगदान रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ से अब तक एक मोटा मोटा हिसाब लगाता था, करीब करीब 7500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं इतने सालों में, 7500 से करीब करीब 1000। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है दोनों सदन की। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त सुन रहे थे, लेकिन विपक्षी खेमा क्या कहता, मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुनिए जरूर, लेकिन उसके साथ साथ क्या कांग्रेस पार्टी का इस बार ये स्टैंड क्लियर रहेगा कि जिन क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से ये मामला फंसा वो आज नहीं फंसेगा। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं। बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, सभी की इच्छा है कि महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है। आज तक हमने सब कोशिश की, लेकिन अब मैं समझता हूँ आप जब आप ये मुद्दा उठाएंगे
तो जरूर आपके बात को मान्यता वो दे देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल आना चाहिए, उनका समर्थन है, वो खुद ये चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है क्योंकि जनता देख रही है लगातार, महिला आरक्षण की बात तो लगातार होती रही, अब तक क्यों पूरा नहीं हुआ? अब जितनी राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, संकेत दे दिए कि कुछ क्षेत्रीय पार्टियां थी, समाजवादी पार्टी का इतिहास इसमें जोड़कर देखा जाता है। फिर देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं के सम्मान में रही है। आज भी आप देखिए, हमारे यहाँ विधायक भी हैं, हमारे यहाँ छात्र सभा की अध्यक्ष भी बनाई थी जो महिला थी। और हमेशा देखिए, जो विधेयक होता है उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है। अगर हम उस कमी को कह रहे हैं कि आप उस कमी को ठीक कर लीजिए, उसमें क्या कमी मानी गई थी? जो कमियां होती हैं, और रही रिजर्वेशन की बात है, तो हम ये कहते हैं कि जैसे जाति जनगणना है, आप जाति जनगणना क्यों नहीं कराते? आप पहले जाति जनगणना कराइए। अभी भी क्या आप उस स्टैंड पर हैं कि उसमें एससी एसटी ओबीसी वाला फिर से आरक्षण होना चाहिए? क्या ये स्टैंड रहने वाला है आपका? जो सही चीज है, ओबीसी को जो प्रतिनिधित्व मिल रहा है वो नहीं मिल पा रहा अभी। क्या ये आपका स्टैंड है? ये जनता समझ ले, उसको समझिए। मैं सबसे पहले ये बोल रहा हूँ, जाति का जनगणना होनी चाहिए, पहले पता चले हम लोग कितने, और महिला आरक्षण विधेयक जो है उसमें कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए। महिला आरक्षण अभी रोक दिया जाए, इसका मतलब अभी बहुत सारी प्रक्रिया बाकी है, इसे बिल को रोक दिया जाए। शांत, ये बात ही मुझे समझनी है कि ये जातिगत जनगणना एक अलग विषय है, एक अलग मुद्दा है, उसमें आपको आरक्षण के लिए एससी एसटी जाना है, ओबीसी जाना है, वो एकदम अलग। समाजवादी पार्टी तर्क दे रही है कि अभी रोका जाए, वो अहम मुद्दा है। मुझे महिलाओं की आज यही दिक्कत है। मैं सवाल पूछ रही हूँ सर, छोड़िए बाकी सबको, मैं एक महिला होने के नाते मैं पूछ रही हूँ, महिलाओं के लिए क्या? देखिए, आपने कहा जाति जनगणना अलग विषय है, अलग कैसे हो सकता है? जब तक हमें ये नहीं पता कि हम लोग कितने हैं, आप कितने हम कितने हैं, जब ये पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं, उसके बाद आप सब कुछ कीजिए। वैसे मैं बता दूं आपको, अगर जितनी भी आबादी है, अगर उस आबादी में से, नहीं, जितनी भी आबादी है उस आबादी में से, ठीक है, अगर आपका आप तो क्यों पर क्यों खुले उनकी, ये आपको समझ में आ रहा है? ये क्या आप कह रहे हैं? ये अगर समाजवादी पार्टी का तर्क है तो क्या इस तर्क से आप सहमत हैं? देखिए, ये सिर्फ विषय को भटकाने की बात है, इससे इनकी मानसिकता और इनका जो मोटिव है, जो मंशा है, वो समझ में आती है। टीस तो नहीं है कि बीजेपी अगर ये लेके आएगी तो बीजेपी को इसका फायदा मिल जाना है, बीजेपी को इसका क्रेडिट मिल जाना है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह के जन कल्याण के काम जो देश के लिए लगातार प्रधानमंत्री जी ने किए, उसका फायदा निश्चित तौर पे होगा। जनता ने विश्वास दिया है 14 में, 19 में और 24 में भी देगी, क्योंकि वो काम की वजह से ही है। और देखिए, बड़ी बात यह है, ये डर है, ये डर है, वो हारने जा रहे हैं, ये हारने जा रहे हैं, ठीक है, ये मैं डर है। अब उन्हें लगा रीमा, ये मान लिया जाए, वैभव, अगर हम ये माने कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इनका भी तर्क सुना जाना चाहिए, आप उससे सहमत हैं? आपके सहयोगी हैं? बस देखिए, कांग्रेस पार्टी का इस विधेयक को लेके बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है। हमने हमेशा से महिला आरक्षण के विधेयक का समर्थन किया है, और हम आज भी करते हैं और आगे भी करते हैं, और ये आने वाला है तो हम इसका बहुत स्वागत करते हैं। वैभव, इसमें ही वो जवाब नहीं आया, वैभव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उसे दूसरा तर्क है, आपके सहयोगी, आपके सहयोगी है, तो उनका जो तर्क है उससे क्या सहमत हैं आप? ट्वीट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम अपने सारे इंडिया के सहयोगी दलों से भी अपील करते हैं कि आप भी बेशर्त इस बिल का समर्थन के विधायक मंत्रियों को नहीं पता कि वो मसौदा क्या है। मैं फिर दोहराऊंगी, एक महिला होने के नाते मैं समाजवादी पार्टी से कहती हूँ कि आप कहिए विपक्षी नेता होने के नाते कि जल्दी आए प्रधानमंत्री, जल्दी आए। मैं तो चाहता हूँ मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने, चाहती हूँ ना कि मेरी बात क्लियर हो, मैं तो चाहता हूँ बने, मैं चाहती हूँ 25% प्रधानमंत्री। मुद्दे की बात कांग्रेस पार्टी के लिए, विजय जितने पुरुष हैं उनको ना बुलाए प्रेस वालों को, महिलाओं को बुला लेंगे। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो आपको ही नहीं बुलाएंगे, कांग्रेस पार्टी, आप एक इंटरव्यू लेकर दिखा दीजिए। विजय कांग्रेस पार्टी का ये कह रहे हैं, बहुत बड़ा राठी कह रहे हैं। हम अपने सभी सहयोगी दलों से भी कहते हैं, अपील करते हैं कि इसको, इस बिल का आप सब भी स्वागत कीजिए, समर्थन कीजिए, ये हम सबसे अपील करते हैं। बस, क्या 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 वो सहर्ष, बगैर इफ बट के वो सहर्ष तैयार हैं, यही स्टैंड आपका है? आप तो सहयोगी हैं। आप एक बात देखिए, आंख नाक खान खुले विपक्ष के, और ये इंडिया अलायंस है, सब लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको उसमें कमी नजर आ रही है तो क्या आप ये नहीं कहेंगे इसको ठीक कीजिए? कांग्रेस पार्टी को मतलब
एक कांग्रेस कांग्रेस पार्टी आंख नाक कान बंद करके समर्थन करने की बात कर रही है। आप ये नहीं, इसमें क्या गलत है? अगर उन्होंने कहा समर्थन है, हमने कहा कि समर्थन है, लेकिन उसमें अगर कमियां हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर या नहीं, नहीं वो ये साफ कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी जिनके आप सहयोगी हैं, वो जो कर रहे हैं क्या आंख बंद करके कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता और चूंकि पार्टी इंडियन अलायंस में, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर कोई भी अच्छा मूव है, बताएंगे। देखिए मैं ये मानता हूँ कि अब भारत देश की राजनीति ऐसी जगह पे आ चुकी है कि हमें महिलाओं को जो उनका सम्मान बनता है वो देना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी बहुत दिनों से इसकी पुरजोर समर्थक रही है, और हम ये मानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसको लेके आती है और भी सभी दलों को इसका एक मत समर्थन करना चाहिए। वैभव, आप देख चुके हैं आपके ही सामने स्थिति क्या है, कैसे बुलाइए, आपके सामने ही आपके सहयोगी INDIA के समाजवादी पार्टी के वो जो कह रहे हैं, कैसे फिर एक राय हो पाएगी? अब महिला आरक्षण की बात हो चाहे फिर आपके साथ आगे बढ़ने, मुझे लगता है कि अगर जो है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दल इसका विरोध करेगा, मुझे लगता है नहीं नहीं, अभी भी उनका स्टैंड अलग है इसका। बहुत आखिर में राखी को अपना जवाब देने दीजिए, राखी अपना जवाब दे दे महिला आरक्षण की बात। देखिए गांठों के गठबंधन की गांठें एक बार फिर सामने हैं, जिस तरह से सनातन धर्म के बारे में इनके बीच में डिस्प्यूट्स थे, वैसे ही इस महिला आरक्षण के नाम पर भी डिस्प्यूट्स हैं। पर अभी भी देखिए, ये इस डिबेट के जरिए ये तय हो चुका है कि अभी भी कुछ पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि कांग्रेस पार्टी अपील करती है कि जो भी सहयोगी लोग हैं वो इस बिल का समर्थन करें, लेकिन सवाल उठेंगे, सवाल घुमा के उठे, तर्क दूसरे तरीके से दिया जाए, लेकिन सवाल उठेंगे उसके लिए। और रीमा एक बड़ी बड़ी खबर भी ये आ रही है कि लिस्टेड जितने भी बिल हैं इसमें, उसके अलावा भी बिल आ सकते हैं, और ये एक बेहद अहम है। कैबिनेट मीटिंग जो हो रही है, इस मीटिंग में लिस्टेड बिल के अलावा भी बिल पर चर्चा हो सकती है, जिस तरह की खबर कि आज शाम 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो सकती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी कुछ और अहम मुद्दे सामने आ सकते हैं, ये एक बड़ी खबर। जल्दी करना, बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की वकालत। उनका कहना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों में 1/3 आरक्षित करने का प्रावधान किया जाए। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इस सदन में पारित किया जाए, ये शुभ अवसर पर वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित करके सरकार नए सदन की शुरुआत करे। सर्वदलीय बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और NCP अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमारी पार्टी भी सरकार से संसद सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की अपील करती। मैंने हमारी पार्टी NCP अजित पवार के ओर से हमने ये खास करके मांग रखी है कि संसद में महिलाओं को आरक्षण के बारे में हम सदैव चर्चा करते आए हैं, सभी राजनीतिक दल चर्चा करते आए हैं, लेकिन इसमें कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है। जब 75 वर्ष पूरे हुए हैं और एक नई वास्तु में जा रहे हैं, तो हमने निश्चित महिलाओं का, इस देश की महिलाओं का सम्मान करते हुए हमने ये महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना चाहिए। वहीं JDU नेता अनिल हेगड़े ने भी महिला आरक्षण बिल को लाने का समर्थन किया। सारे पार्टियों ने एकमत होकर के वुमेन रिजर्वेशन बिल दोनों हाउस में पास करने के बारे में मांग की। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के सवाल का संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि वक्त आने पर इस पर फैसला जरूर होगा। ऐसे पहले भी मीटिंग्स में डिमांड हुआ है, गवर्नमेंट अपने एजेंडा से चलता है और अप्रोप्रिएट टाइम में अप्रोप्रिएट डिसीजन होगा। विशेष सत्र में सरकार 8 बिल लाने की तैयारी में। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को ग्रुप फोटो के लिए मंगलवार को आमंत्रित किया गया है। ग्रुप फोटो के लिए सुबह 9:30 का वक्त तय किया गया है। संसद की कार्यवाही मंगलवार से संसद की नई इमारत में होनी।
और आइए अब आपको ये बताते हैं कि संसद के विशेष सत्र के एजेंडे में आखिर वो कौन कौन से बिल शामिल हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिल जिसके लिए कहा जा रहा है अधिवक्ता संशोधन बिल 2023 जिस पर चर्चा की जाएगी। दूसरा प्रेस और पत्रिका पंजीकरण बिल 2023। तीसरा बिल डाकघर विधेयक 2023। दरअसल ये वो बिल है जिन पर कहा जा रहा है कि चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त बिल पर भी चर्चा जो है वो पूरी तरह से संभव है, लेकिन जब सत्र की शुरुआत होगी तब पता चलेगा कि आखिर वो कौन कौन से बिल होंगे जिन पर इस सत्र में चर्चा होगी। तो संसद के विशेष सत्र के दौरान आज सुबह 11 बजे से दोनों सदनों में चर्चा शुरू होगी। ये चर्चा आजादी के 75 वर्षों की संसदीय यात्रा पर थीम होगी, साथ ही आजादी से अब तक की